गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और अभी शाम के टाइम में नाश्ता और मेरे पति ऑफिस नहीं गया है, हस्बैंड ऑफिस नहीं गया है क्योंकि घर से कुछ काम करना था उनको, तो घर पे ही है। तो मैं अभी शाम का नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो मैं पोहा बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों से शेयर करूँगी पोहा कैसे बनाऊँगी। गर्मी तो इतनी है, कुछ कहने के लगी बनारस में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो? अभी शाम को 6 बज रहा है शाम को, और मैं इवनिंग का टाइम का नाश्ता बना ना चाय नाश्ता बनाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं किचन में, चलिए चलते। यहाँ मैं अभी किचन में आ गई हूँ और मैं पोहे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट मैं कर लूँ इस तरह से। मैंने प्याज काट लिया, हरी मिर्च और करी पत्ता आप देख सकते हो, और मैंने चूरा को हल्का सा धो के कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। अब मैं इसमें राई का तड़का डाली हूँ, हरी मिर्च, करी पत्ता, प्याज, सभी को अच्छी तरह से भून लूँगी, हल्का गुलाबी भून। उसके बाद मैं उसमें आधा चम्मच हल्दी डालूँगी और रोस्ट किया हुआ मूँगफली डाल दूँगी। उसके बाद चूरा जो मैंने भिंगो के हल्का सा रखा था धो के, उसको अच्छी तरह से सबके साथ मिक्स कर दूँगी। काफ़ी टेस्टी बनता है पोहा, हम लोग तो पोहा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं तो बताइएगा। आज है 2 जून है और थर्सडे डे का टाइम है। देखिए रेडी हो गया पोहा, आइए आप लोग भी आके खा लीजिए, तैयार है पोहा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग कैसे बनाते हो पोहा तो कमेंट में बताइएगा, आप लोग कैसे बनाते हो। यहाँ मैं अपने मर्फी के साथ मस्ती कर रही हूँ, उसे दवा खिलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दवा खिलाने के नाम से कान में दर्द हो रहा था, दवा खाने के नाम से ही उस तरह से भागता है। देखिए अभी थोड़ा देर कितना प्यार कर रहा था, देखिए दवा देखते ही देखिए किस तरह से काटने को दौड़ रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए खुद से दरवाजा खोल के बाहर चला जाएगा, दवा देख कान में दर्द होता है तो कान में डालने वाला भी दवा। यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है, डिनर यानी तैयारी नहीं हो रही है, डिनर बन चुका है। तो मैं रात में, यहाँ रात को चावल दाल सब्जी रोटी खाया जाता है, दिन में रोटी सब्जी हम लोग खाते हैं। बस सारा सामान खाना बना चुकी थी, बस रोटी जब खाने को सब बैठते हैं तब गर्म गर्म रोटी बना सेकती हूँ, तब देख सकते हो। तो मेरा डिनर तैयार है, सबको खाना निकाल निकाल के सबको खिला भी रही हो, रोटी भी बना रही हो, अब तक देख सकते हो। तो ये मेरा रात का डिनर है। मैं रात को डिनर करने के बाद से किचन वगैरह साफ कर दी, क्लीन करके उसके बाद से मैं कपड़े जो सूखे हुए कपड़े थे उसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, सबके अलग अलग जगह तह कर रही हूँ, अलग अलग सबके लिए अलमारी में रखाएगा, मेरा अलग, अंकुर का अलग, मेरे हस्बैंड का अलग, और घर के सदस्य के सभी के लिए अलग रखाएगा। और पंखु हेल्प कर रही है मेरा, वो सभी की जगह पर उठा उठा कपड़े रख रही है। तो अभी रात के 10:30 बजे हैं, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, मैं थोड़ी सी थक भी गई हूँ। मेरा अभी प्रेगनेंसी का 4 मंथ चल रहा है, तो थकान बहुत ज़्यादा थकान रहती है, थोड़ा सा भी काम को थकान ज़्यादा हो जाती है, इस हालत में हो ही जाती है, सब काम को थकान होने लगती है, पूरी बॉडी में इचिंग टाइप की होती रहती है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।